नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका टेक एंड मोटर्स की आज की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो को हम कहेंगे कमेंट शाला सेशन। इसमें आपके द्वारा छोड़े गए सवाल के मैं दूंगा जवाब। तो चलिए शुरू करते हैं और बने रहिए अंत तक हमारे साथ इस वीडियो में। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और साथ ही साथ सब्सक्राइब कर लीजिए टेक एंड मोटर्स को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भाई पहला सवाल है कार्टून वर्ल्ड का, ये पूछते हैं मेरे पास विक्टर 2017 मॉडल है, आपकी एक भी बात गलत नहीं है। विक्टर के नेगेटिव पॉइंट्स वाली वीडियो पे इन्होंने कमेंट किया है ये। सर मुझे बताओ कि क्या आपकी विक्टर में टेपिड नॉइस आती है? मेरे विक्टर में करीब 8000 किलोमीटर के बाद आई है और सर्विस सेंटर से टेपिड सेट करवाने के बाद 200 किलोमीटर चलने के बाद फिर से टेपिड की आवाज़ आ जाती है। तो देखिए सर, मैं आपको बता दूं कि जो ये टेपिड की आवाज़ आ रही है तो आप इसमें टाइमिंग चेन को दिखवाइए। मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है, टैपेट की आवाज़ मेरे साथ कोई भी नहीं आई अभी तक और मेरे को कोई भी सेटिंग करवाने की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ी है। आप टाइमिंग चेन दिखा सकते हैं, हो सकता है टाइमिंग चेन लूज हो गई हो। कभी कभी हो जाता है, बहुत ज़्यादा रफली चलाते हैं या कभी कभी डिफेक्ट आ ही जाता है, तो आप उस चीज़ को दिखवाइए। अगला कमेंट है सौरभ पाटिल जी का, ये कहते हैं आपने यामाहा सेल्यूटो 125 सीसी के बारे में नहीं बताया। तो भाई मैं बता दूं कि यामाहा सेल्यूटो 125 सीसी के बारे में मैंने वाकई में नहीं बताया था। कमेंट शाला सेशन में मैंने जवाब भी दिया था इसका कि जो सर्विस सेंटर है, सर्विस नेटवर्क है, डीलरशिप है, वो ओवरऑल सबके लिए सूटेबल नहीं है। और साथ में यामाहा में टॉर्क और पावर जो है वो 110 सीसी विक्टर से भी कम मिल रही है। कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी, हालांकि टॉर्क उसका ज़्यादा है लेकिन फिर भी इसीलिए कंसिडर नहीं किया। अगला कमेंट है शिशिल के जी का, ये बोलते हैं सर प्लीज से अबाउट पल्सर UG5 हैंडलिंग, आई एम इंटरेस्टेड ऑन दिस बाइक। तो सर मैं आपको बता दूं कि हैंडलिंग तो जाहिर सी बात है बेटर होगी। मैंने अभी तक वो बाइक नहीं चलाकर देखी है क्योंकि मैं जिस सिटी में हूं उसमें प्रॉब्लम चल रही है बजाज की डीलरशिप्स पर। बजाज की 2-3 डीलरशिप्स जो बड़ी बड़ी थी सिटी के अंदर वो बंद हो चुकी हैं। अब नई डीलरशिप किसी के पास जाएगी तब जाकर पता लगेगा कि क्या कंडीशन रहती है। लेकिन मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप खुद जाइए, ठीक से चलाइए, टेस्ट राइड लीजिए, उसके बाद डिसाइड कीजिए। लेकिन ऑब्वियसली पुराने प्रोडक्ट से नया प्रोडक्ट हमेशा कंपनी बेटर ही लेकर आती है। अगला कमेंट है वाई श्रीकारा सतीश जी का, ये बोलते हैं एक्सब्लेड इज एक्सेप्शनल बाइक, ABS इज नाउ अवेलेबल, अनफॉर्चुनेटली मेजोरिटी ऑफ them are preferring outdated bike which all of you know they are full of noise pollution, World War II designed, high maintenance, forget about fuel economy, big hole to your pocket. My X-Blade is giving 58 kmpl on highways and 50 kmpl in city traffic conditions. तो पहले तो इनको थैंक यू बोलना चाहूँगा कि इनके जरिए मेरे को माइलेज का थोड़ा बहुत ज़्यादा सटीक सा अंदाज़ा हो गया, क्योंकि जितना मेरे को वहाँ से पता चला था शोरूम से उन्होंने कम ही बताया था कि सर ऑन रोड इतना दे देगी, लगभग उन्होंने बताया था कि 45 तक का दे देगी। लेकिन बात सही है कि अपनी जगह एक्सब्लेड भी काफ़ी अच्छी बाइक है, मैंने वही वीडियो में बताया भी था कि पता नहीं क्यों लोग उसकी तरफ इतने ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं। हालांकि सेल ग्रोथ हुई है लेकिन फिर भी अपाचे वगैरह को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलता है। अगला कमेंट है ह्यूमैनिटी मस्ट प्रिवेल की तरफ से, ये बोलते हैं सर सेल्यूटो 125 वर्सेस विक्टर कौन सी लूं, मुझे नॉर्मल कम्युनिकेशन के लिए चाहिए और लॉन्ग राइड भी कर सके बाइक। तो देखिए सेल्यूटो भी बाइक बहुत अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है, यामाहा का प्रोडक्ट है। लेकिन पहली बात, आप जिस सिटी में हैं नियर बाई सर्विस सेंटर और डीलरशिप होनी चाहिए। इसी के साथ साथ मैं अगर विक्टर से कंपेयर करूँ तो जो पावर है सेल्यूटो की वो विक्टर से कम मिलेगी। वेट लगभग बराबर है दोनों गाड़ियों का, पावर विक्टर से कम है और जो टॉर्क है वो विक्टर से ज़्यादा है, लगभग 1 Nm का टॉर्क ज़्यादा है और लगभग 1 BHP की पावर कम है। तो उसके हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं। विक्टर के नेगेटिव पॉइंट्स पर कमेंट आया है सुजान गुर्जर जी का, ये बोलते हैं हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, 22,000 किलोमीटर चल गई है, आप ज़्यादा हाई स्पीड में चलाते होंगे बाइक, फिर तो आपको 150 से 200 सीसी इंजन वाली बाइक लेनी चाहिए। तो ये बात ठीक है कि मैं बहुत ज़्यादा बाइक चलाता था अब तक जो भी मैं काम करता था वो रिलेटेड ऐसा था कि मेरी बाइक बहुत ज़्यादा चलती थी, लेकिन अब इतनी नहीं चल रही है। लेकिन फिर भी मैं इनकी बात से एग्री करता हूँ, लेकिन 150 से 200 सीसी में मेरे को माइलेज उतना ज़्यादा नहीं मिलता सिटी कंडीशंस में, इसलिए मैंने नहीं ली।
अगला कमेंट है डटसन गो प्लस के रिव्यू वाली वीडियो पर सुब्रत गोस्वामी जी का, ये बोलते हैं आई एम प्लानिंग टू बाई अ गो प्लस। तो बिल्कुल ठीक है आपकी चॉइस, हर आदमी अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, अपनी जरूरत के हिसाब से कार खरीदता है, तो उसके हिसाब से आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ABS EBD अब आने ही लगा है, लेकिन ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा आप इस गाड़ी को लेने से पहले कि क्या वाकई में आपको 5+2 सीटर की जरूरत है, क्योंकि पीछे वाली जो सीट्स हैं, थर्ड रो सीट्स हैं, वो केवल ज्यादा से ज्यादा 10-11 साल तक के बच्चों को आप बिठा सकते हैं वहां, उससे ज्यादा किसी को नहीं बिठा सकते, बहुत अनकंफर्टेबल है, उसमें फिट होना भी बहुत बड़ा सरदर्द है अगर कोई एडल्ट है तो। तो अगर इस चीज का आपको ध्यान है, इस चीज को ध्यान में रखकर ले रहे हैं, तो आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। विक्टर नेगेटिव पॉइंट में फिर से पूछा है एस कासिम वली ने, सेल्फ भी ऑटोमेटिकली होता है भैया? तो भाई साहब मैं आपको बता दूं कि सेल्फ ऑटोमेटिकली नहीं होता है मेरी गाड़ी में, वो प्रॉब्लम नहीं है। अगर ऐसा होता है तो हो सकता है आपकी रिले में या वायरिंग में कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम हो, तो आप उस चीज को सर्विस सेंटर को दिखाइए, और जहां तक है वारंटी में कंसीडर होनी चाहिए ये चीज, अगर सेल्फ खुद काम कर रहा है तो। अगला कमेंट है सुधाकर RNV जी का, ये बोलते हैं ऑयल चेंज कर सकते हैं क्या रियर सस्पेंशन में जैसे फ्रंट में कर सकते हैं? तो बिल्कुल रियर में भी ऑयल चेंज होता है सर, लेकिन उसे कोई जो शॉक अब्जॉर्बर का एक्सपर्ट होता है वही करेगा पीछे वालों में, क्योंकि स्प्रिंग वगैरह काफी चीजें उसमें डली हुई होती हैं, जिस तरीके से फोर व्हीलर्स का भी कुछ लोग कराते हैं उसी तरीके से बाइक का भी किसी एक्सपर्ट के पास होगा। फ्रंट वाले जो टेलीस्कोपिक होते हैं उसमें नॉर्मली ये होता है कि हमारा जो नॉर्मल मैकेनिक भी होता है वो भी ऑयल डाल देता है, चेंज कर देता है, शॉकर फिल कर देता है, लेकिन पीछे वालों के लिए आपको किसी एक्सपर्ट के पास ही जाना पड़ेगा, क्योंकि स्प्रिंग वगैरह खींचना करना वो सब चीजें वही कर पाते हैं। अगला कमेंट है विक्टर नेगेटिव पॉइंट्स वाली वीडियो पर ही, ये है करण करण जी, ये लिखते हैं भाई इतना पेलोगे बाइक को तो प्रॉब्लम तो आएगी, मुझे ये कुछ खास प्रॉब्लम नहीं लगी। अगर आप बाइक को टाइम टू टाइम रिपेयर और मेंटेन करते हो, अगर आप पागलों की तरह पेलते जा रहे हो, तो कोई भी बाइक हो बुरा हाल हो जाएगा। आप बोल रहे हो 8000 RPM के बाद 25 का माइलेज रह जाती है, कॉमन सेंस है, जब कोई भी इंजन इतने स्पीड से वर्क करेगा तो एनर्जी ज्यादा लगेगी। एनर्जी कहाँ से आएगी? इंजन से। इंजन कैसे वर्क करेगा? पेट्रोल से। तो मेरे भाई पेट्रोल ज्यादा लगेगा ही। तो भाई इतना मैं भी जानता हूं कि पेट्रोल ज्यादा लगेगा, और कार्बोरेटर है तो वाकई में ज्यादा लगेगा, लेकिन 55 से 50 से 25 नहीं रहता है, और भी बाइक मैंने चलाई हैं ये ज्यादा कम रह जाता है। और मेरे मेरी अगर मेंटेनेंस की आप बात करो, तो मेंटेनेंस मैं टाइम टू टाइम कराता हूँ, प्रॉपर मेंटेनेंस रहता है। आप मेरी और भी वीडियोस देख सकते हो, जब विक्टर में क्लच प्लेट चेंज हुई, जब सर्विस पर गई, वो सब आप सब कुछ देख सकते हो, और जो प्रॉब्लम मैंने बताई वो कॉमन सी प्रॉब्लम है जो विक्टर में सबको आती हैं। बाकी गाड़ियों की प्रॉब्लम पर भी मैं वीडियो जल्दी बनाने वाला हूँ, क्योंकि किसी ना किसी गाड़ी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ऐसी होती ही है जो कॉमन रहती है, क्योंकि परफेक्ट तो कुछ भी नहीं हो सकता। और अगला कमेंट है राहुल राजन जी की तरफ से, ये पूछते हैं TVS विक्टर या डिस्कवर 110 में से कौन बेस्ट है? तो राहुल जी मैं आपको पहले एक बात बता दूं कि आप दोनों की टेस्ट राइड ले सकते हैं, उसमें आपको जो कंफर्टेबल लग रही है और जो जो ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है आपके हिसाब से, तो आप उसके लिए जा सकते हैं। और अगर ग्राफ्स की माने, स्पेसिफिकेशंस की माने, तो TVS में जो टॉर्क और पावर है वो डिस्कवर से ज्यादा मिल रही है, हालांकि डिस्कवर जो है वो 115 cc का उसमें इंजन है, 110 डिस्कवर में, और 109.7 cc का इंजन है विक्टर में। तो इसमें भी आपको टॉर्क और पावर जो है वो इसमें ज्यादा मिलेगा विक्टर में, डिस्कवर में कम मिलेगा। बाकी आपकी चॉइस है कि आप किसे प्रेफरेंस देते हैं। तो दोस्तों बस यही कमेंट्स थे आपके जो मैंने लिए थे आज शॉर्टलिस्ट करके। आपको एक चीज और बता दूं कि मैंने कम्युनिटी टैब में डाला था एक पोल कि आपको किस तरीके की वीडियोस ज्यादा चाहिए इस चैनल पर, तो वो पोल आप कम्युनिटी टैब में जाकर उसे वोट कर सकते हैं, और प्लीज वोट कीजिए, आपके वोट से ही इम्प्रूव होगा ये चैनल।
और आपके जो भी कमेंट्स हैं आप कमेंट बॉक्स में छोड़ते रहिए, उनके जवाब मैं हर संडे को देता रहूंगा। और इसी के साथ जरूरी ये भी है कि आप उसके लिए सब्सक्राइब कर लीजिए टेक एंड मोटर्स को, ऑटोमोबाइल एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस पाते रहने के लिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए जिससे आप किसी भी वीडियो की अपडेट को मिस ना करें। और अगली वीडियो तक के लिए सीट बेल्ट लगाइए, हेलमेट पहनिए, सुरक्षित चलिए। नमस्कार, धन्यवाद।